नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। गार्डनिंग रिलेटेड टिप्स और DIY के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज मैं आपको रोज़ प्लांट के बारे में ऐसे 6 इम्पॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके प्लांट में भी फ्लावरिंग इंक्रीज ज़रूर होगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। पुराने ब्रांचेस को प्रून कर लीजिए ताकि उसकी जगह ज़्यादा नए ब्रांचेस निकले। जितना ज़्यादा ब्रांचेस होगा उतना ही ज़्यादा फूल मिलेगा। फ्लावरिंग शुरू होने के बाद जब भी कोई फूल ड्राई होने लगे तो आप उसको काट दीजिए, ताकि प्लांट की एनर्जी सेव हो और प्लांट नए नए बड्स प्रोड्यूस कर सके। मिट्टी में यूज्ड चाय पत्ती का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि रोज़ प्लांट के लिए सॉइल थोड़ा सा एसिडिक होना चाहिए। मिट्टी में बोन मील का इस्तेमाल कीजिए, इससे फ्लावरिंग बहुत अच्छा होता है। अगर आप रोज़ प्लांट में से अच्छे फ्लावरिंग चाहते हैं तो आपको स्पाइडरमाइट्स के अटैक से अपने प्लांट को बचाना होगा। 1 लीटर पानी में 1 टीस्पून नीम ऑयल डिसॉल्व कीजिए और वीकली अपने प्लांट में स्प्रे कीजिए। रोज़ प्लांट के लिए सबसे बेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है मस्टर्ड केक। उसको आप हर 10 दिन के अंदर अप्लाई कीजिए। इसको कैसे तैयार करते हैं, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ज़रूर देखिए। अगर आप पॉट में अपने प्लांट को लगा रहे हैं तो उसके लिए सॉइल मिक्स कैसे तैयार करना चाहिए, उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ज़रूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।